सैन्य इकाई अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में कहा कि कतर की मध्यस्थता के बाद मानवीय आधार पर दोनों को रिहा किया गया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि दोनों बंधकों को रिहा कर अमेरिकी लोगों और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके फांसीवादी प्रशासन द्वारा किए गए दावे झूठे और निराधार हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने माँ बेटी जुडिथ ताई रानन और नताली शोशना रानन को हमास की तरफ से छोड़े जाने की पुष्टि की है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन्हें इसराइल में एक सैन्य ठिकाने पर ले जाया गया जहां उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। वहीं अन्य बंधकों के परिजनों ने खुशी जताते हुए बाकी बंधकों के भी रिहा करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास द्वारा रिहा की गई मां बेटी से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि मैंने अभी अभी हमास द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद रिहा की गई दोनों अमेरिकी नागरिकों से बात की है और मैंने उन्हें बताया कि अमेरिकी सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बंधकों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कतर सरकार का शुक्रिया अदा किया। ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल में अमेरिकी दूतावास की टीम जल्द ही शिकागो के रहने वाले दो अमेरिकी बंधकों मां और बेटी से मुलाकात करेगी जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में बंधक बना लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि कई देशों के लगभग 200 अन्य बंधकों में अभी भी 10 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं और ब्लिंकन ने बताया कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि उन्होंने अन्य बंधकों के परिवारों से बात की है और गंभीरता से उनके परिवार के सदस्यों की रिहाई के लिए काम करने का वादा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया गया है, दोनों अब इसराइल में सुरक्षित हैं। हम उनकी रिहाई का स्वागत करते हैं लेकिन इस संघर्ष में अभी भी 10 अन्य अमेरिकी नागरिक लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका है। हमने पता किया है कि उनमें से कुछ को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया, साथ ही गाजा में लगभग 200 अन्य बंधकों को भी रखा गया है। इनमें कई देशों के पुरुष, महिलाएं, युवा लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग लोग शामिल हैं। तो दो अमेरिकी बंधकों की रिहाई के पर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बंधक बनाई गई दो महिलाओं को रिहा करने के बाद हमास दुनिया के सामने खुद को ऐसे पेश कर रहा है जैसे वो मानवाधिकारों का बहुत बड़ा हिमायती है, जबकि हमास वास्तव में एक क्रूर आतंकवादी संगठन है जो अभी भी गाजा पट्टी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बंधक बनाकर रख रहा है और लगातार मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहा है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमले के बाद हमास ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया था और हमास का कहना है कि 50 अन्य लोगों को अन्य सशस्त्र समूहों से बंधक बनाकर रखा गया है। और बयान में यह भी कहा गया कि इसराइल के हवाई हमलों में 20 से ज़्यादा बंधक मारे भी गए हैं। हमास ने अन्य बंधकों को छोड़ने के बदले इसराइल की जेलों में बंद 6,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की शर्त रखी है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस शर्त को मानने से साफ मना कर दिया। इसराइल ने हमास का सफाया करने के लिए जंग का ऐलान किया है। इसराइल ने कहा है कि हम हमास का सफाया करते हुए बंधकों को मुक्त कराने के लिए काम करेंगे। यहाँ देश में मुंबई में मुसलमानों का फिलिस्तीन को लेकर बड़ा समर्थन देखने को मिला। कल मुंबई के मरीन ड्राइव में इस्लाम जमखाना में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी और मिल्ली तहरीक फाउंडेशन ने फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। ये आयोजन मुंबई के इस्लाम जमखाना में किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी नेता अबू आजमी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना महमूद दरियाबादी और दर्जनों मुस्लिम महिला पुरुष विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस आयोजन में लोग शामिल होते हुए नजर आए। इसराइल के खिलाफ इस प्रदर्शन में सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया। इसे सीधे यूनाइटेड नेशन को भेजा जाएगा ताकि फिलिस्तीन में अमन और शांति बहाल हो सके, साथ ही इसराइल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अपनी स्पीच में समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता
साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक अबू आसम आजमी ने बयान देते हुए कहा कि अब जो होना है हो जाए, लेकिन अब फिलिस्तीन को आज़ाद करा के दम लेंगे। अबू आजमी ने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है? इस देश में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर इस देश को आज़ाद कराया, आपकी आस्था थी, कोर्ट से फैसला करवा लिया और शानदार मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या हमारी आस्था हमारे मस्जिद के प्रति है, तो क्या ये गलत है? वही आरएसएस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस से इतनी मोहब्बत क्यों है, और गोमांस को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। साथ ही कहा कि आज मैं एक हॉल के अंदर कोई मीटिंग ले रहा हूं तो हजारों पुलिस वाले यहां पर लगा दिए गए हैं, ताकत के नशे में चूर ये लोग क्या कर रहे हैं। वही दुनिया के शांति चाहने वाले देशों से मैं अपील करता हूं कि हमें फिलिस्तीन को अब आज़ाद करा के रहना होगा। हमारी सरकार हमें रोकना चाहती है कि हम उनके समर्थन में ना खड़े हों। कल ये फोटो देखा, एक जहां युद्ध की विभीषिका देखने को मिल रही है, महिलाएं और बच्चे बिलख रहे हैं और उनके ऊपर मानवीय त्रासदी बरसाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के लोग हमेशा हिटलर के साथ खड़े होते हैं, इतने लोग आज यहाँ क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हम जुल्म को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और यहाँ से निकलते समय आप नारा ना लगाएं, अब ये जो लड़ाई शुरू की है हमने, अब चुप नहीं बैठना है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अबू आजमी ने ये भी कहा कि बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि अल्लाह तू कर हमें इन जालिमों के सामने रुसवा मत कर, फ्री फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन का नारा भी आजमी ने लगाया और उनके साथ लोग भी समर्थन में खड़े नजर आए। तो इसराइल हमास के बीच युद्ध का असर जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है, और फिलिस्तीनियों के साथ अब लोग खड़े नजर आ रहे हैं, और इसराइल का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी अभियान चलाकर 5 बच्चों समेत 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। शालाबी समुद्र के रास्ते इजरायल के खिलाफ आतंकी हमलों में शामिल था, उसे हमास के एक ऑपरेशन कमांड सेंटर में निशाना बनाया गया। इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 100 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसमें उसके टनल और हथियारों के डिपो भी शामिल हैं। इसराइल के हवाई हमले में हमास का एक और शीर्ष कमांडर मब्दुह शालबी भी मारा गया है। इसराइल ने यह साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में हमास के नेतृत्व और उसके सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म करने के बाद उसका अभियान पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस पर नियंत्रण किया जाए। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी अभियान चलाकर 5 बच्चों समेत 13 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। शालाबी समुद्र के रास्ते इसराइल के खिलाफ आतंकी हमलों में ये शामिल था, उसे हमास के एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर में निशाना बनाया गया। वहीं गाजा पट्टी में ज़मीनी हमले से पहले इजरायली सेना ने लेबनान से लगने वाली सीमा पर अपने बड़े शहर किरियत शमोना को खाली करने का आदेश दिया है। इसराइल को हिजबुल्ला की तरफ से हमले की आशंका है, और इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा पर हमले के लिए 3 चरणों की रूपरेखा तैयार की गई है। पहला चरण वर्तमान सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य हमास की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। दूसरा चरण कम आक्रामक होगा, इसमें जहां तहां से उठने वाले प्रतिरोध को खत्म किया जाएगा। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शुक्रवार को उत्तरी गाजा स्थित अल कुद्स अस्पताल को खाली करने की तत्काल अपील की। उनका कहना है कि अल अहली अस्पताल जैसी एक और दुखद घटना रोकने के लिए यह अपील की गई है। इस अस्पताल में 400 से ज़्यादा मरीज और लगभग 12,000 विस्थापित नागरिक रहते हैं। सोसाइटी का कहना है कि इजरायली हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री एवी डाइचर ने कहा कि हमास समूह ने जानवरों की तरह व्यवहार किया है, उसका देश युद्ध के दौरान और उसके बाद भी हमास के आतंकियों को जानवरों की तरह निशाना बनाएगा। उसने ये भी कहा कि हमास जैसे समूहों के खिलाफ लड़ने के लिए औचित्य की आवश्यकता नहीं है, जिसने ऐसा व्यवहार किया है जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए करता है। हम युद्ध रोकने नहीं जा रहे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इसराइल और हमास के युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 5,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में 4,137 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 12,500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा ज़मींदोज हुई इमारतों में भी इजाफा हुआ है, 1,200 से ज़्यादा अधिक लोग अभी इसमें दबे होने की आशंका है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को ये हमला
हमला किया गया था हमास की तरफ से इसराइल पर, जिसमें महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दागे गए थे और इसमें इसराइल इसके बाद ही इसराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है जिसका अपडेट सामने आया है। 5,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर जब इसराइल पर हमला किया था तो नशे में चूर थे और जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों ने जिस नशीली दवा का सेवन किया था वो कैप्टागन थी और बताया जा रहा है कि ये दवा दक्षिणी यूरोप में तैयार की जाती है जो सिंथेटिक एम्फेटामिन टाइप उत्तेजक है। वहाँ से तुर्की के रास्ते से इसे स्मगल करके अरब प्रायद्वीप लाया जाता है। खास बात यह है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 5000 मिसाइलें महज 20 मिनट में दाग दी थी। इसराइल में जान गंवाने वाले कई आतंकियों की जेब से इस नशीली दवा की गोलियां बरामद की गई हैं। अब इस दवा को गरीबों का कोकीन कहा जाता है। इसके सेवन के बाद आतंकियों को महसूस होना बंद हो जाता है, किसी भी तरीके की भावनाएं नहीं आती। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बेहद क्रूरता के साथ लोगों की हत्या की। इतना ही नहीं, इस नशे का असर ऐसा था कि आतंकी घंटों तक अलर्ट थे और उनकी भूख भी खत्म हो चुकी थी। ये सब कुछ इस ड्रग्स की वजह से हो रहा था। कैप्टागन का नाम 2015 में सबसे पहली बार सुर्खियों में आया था। तब ISIS आतंकी हमलों के दौरान डर पर काबू पाने के लिए इस दवा का सेवन आतंकी करते थे। जैसे जैसे ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव कम होता गया, लेबनान और सीरिया ने बागडोर संभाली और इसके बाद उसने बड़े पैमाने पर दवा का उत्पादन और वितरण शुरू कर दिया। इसमें गाजा के युवाओं में ये ड्रग्स काफ़ी पॉपुलर हो गई। इस नशीली दवा कैप्टागन की कीमत अलग अलग देशों में अलग अलग है। गरीब देशों में जहां ये $1 या $2 में ही उपलब्ध हो जाता है, वहीं अमीर देशों में इसकी कीमत $20 प्रति गोली तक है। जानकारी के मुताबिक ISIS सदस्यों की आय का प्रमुख जरिया ही कैप्टागन की तस्करी हो गई है। ये सीरिया के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन गया है, जिसे हिजबुल्ला का समर्थन भी हासिल है। अनुमान के मुताबिक अकेले सीरिया के कैप्टागन का एक्सपोर्ट 2020 में मिनिमम $3.5 बिलियन तक पहुंच गया था और ये सीरिया के कानूनी निर्यात उद्योगों के संयुक्त मूल्य से 5 गुना ज़्यादा था। इसमें हिजबुल्ला की भी भागीदारी शामिल है। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने गाजा सीमा के पास गोलानी सैनिकों की टुकड़ी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इसराइल एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से जीतेंगे, पूरा इसराइल आपके साथ है और हम अपने दुश्मनों पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं ताकि हम जीत हासिल कर सकें। दूसरी तरफ इसराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए, अब 14 दिन हो चुके हैं। लोगों दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों शामिल हैं। इसराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1400 से ज़्यादा है, जबकि गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 3500 की मौत हो चुकी है। हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मिशाल ने गुरुवार को कहा था कि समूह के पास बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक बंधक हैं जो इसराइल के सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराने की बातचीत करने के लिए काफ़ी हैं। पर्याप्त हमास के प्रवासी कार्यालय के प्रमुख मिशाल ने अल अरबिया TV को दिए एक विशेष इंटरव्यू के दौरान ये टिप्पणी की और इससे पहले मिशाल ने यह भी कहा कि हमास के इजरायली बंदियों में गाजा डिवीजन के उच्च अधिकारी शामिल हैं।